आज के प्लान में मैं आप लोगों के लिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर प्लस जो कॉलम का लेआउट होता है वह सब इस प्लान में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्लान को हम लोग अब ब्रीफ में देखते हैं। यदि आप लोगों का कुछ कमेंट्स है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स जरूर करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और यदि आप लोगों का भी कोई होम प्लान है तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें भी यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बताएं। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यह कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके प्लान को मैं अपलोड कर दूं। तो आप लोग थोड़ा संयम रखें और मेरा सहयोग करें। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 22x40 फीट का होम प्लान लेकर आया हूं। इस प्लान के लिए मुझे यूट्यूब पर बहुत दिनों से कमेंट्स मिल रहे हैं, तो उनके रिक्वेस्ट पे यह प्लान मैं बनाया हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि यह प्लान उन्हें ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग भी इसे ज़रूर पसंद करेंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ड्रीम होम और मैं हूं सतीश पांडे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पे आपको अच्छे अच्छे होम प्लान मिल रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जब आप लोग वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो उसी समय एक लाइक कर दिया करें, नहीं तो बाद में क्या होता है कि आप लोग वीडियो देखते देखते उसमें खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए होम प्लान बना रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है, तो बिना देर किए एक लाइक कर दें और इस प्लान को हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आज हम ग्राउंड फ्लोर प्लान देखेंगे, फर्स्ट फ्लोर प्लान देखेंगे, उसके बाद कॉलम का लेआउट कैसे किया गया है वह हम सब इस प्लान में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर प्लान है और यह है 22 फीट और यह है 40 फीट। यहाँ पे देखिए मेन रोड गया है फ्रंट से और यह रैंप है। रैंप से हम यहाँ पोर्च में आ जाएंगे। पोर्च और स्टेयर का जो साइज है वह है 11 फीट 9 इंच बाई 12 फीट 5 इंच। और देखिए यहाँ पर जो स्टेयर केस है इसको भी एज पर वास्तु डिजाइन किया गया है। वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो स्टेयर केस होता है वह हमेशा राइट साइड के तरफ ही टर्न होना चाहिए। और देखिए लेफ्ट साइड में ड्राइंग रूम दिया गया है जिसका साइज है 8 फीट बाई 12 फीट 5 इंच। यहाँ पर देखिए सोफे का लेआउट किया गया है, आप अपने सुविधा के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेन डोर लग जाएगा। मेन डोर से हम एंट्री करते ही लॉबी में आ जाएंगे और यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो अभी हम लॉबी में आ जाएंगे। जो लॉबी का साइज है वह है 9 फीट 9 इंच बाई 8 फीट 2 इंच का। आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। और आगे देखते हैं, यह किचन है। किचन का साइज है 6 फीट बाई 8 फीट 2 इंच। और यह देखिए किचन का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो दोस्तों, किचन में आपका जो गैस चूल्हा है उसका लेआउट ऐसा होना चाहिए कि जब हम भोजन बनाते हैं तो अपना फेस जो है पूरब की तरफ हो, ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा गया है। ये देखिए यहाँ पे इतना ओटीएस दिया गया है और उसमें ही वॉश बेसिन लगाया गया है। यहाँ पे देखिए 4x3 का WC दिया गया है और 4x5 का नहाने के लिए जगह दिया गया है। यहाँ पे देखिए वेंट लग जाएगा तो इसमें वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यह देखते हैं एक बेडरूम है 10x11 फीट का। और इसके पीछे देखिए इतना ओपन स्पेस दिया गया है और ये देखिए कटआउट इन स्लैब दिया गया है 8x3 फीट का। देखिए यहाँ पे पीछे से एक विंडो दिया गया है तो इस विंडो से वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस रूम में भी यहाँ साइड से एक विंडो दिया गया है तो इसमें भी वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रंट में देखिए ड्राइंग रूम के लिए बाहर से एक विंडो लगाया गया है और किचन में भी यहाँ से एक विंडो दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर प्लान है। यहाँ से स्टेयर से होते हुए हम फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे और यह इतना जो एरिया है यह एज ए टेरेस हम यूज करेंगे। यह देखिए यहाँ पे जो रेलिंग दिया जाएगा उसका हाइट होगा 3 फीट और यहाँ पे जो है मेन डोर लग जाएगा। मेन डोर से हम लॉबी में आ जाएंगे। नीचे जो किचन था ऊपर हमने इसको अटैच टॉयलेट के रूप में मॉडिफाइड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट है जिसका साइज है 6x8 फीट 2 इंच का और लॉबी तो सेम साइज का है। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में बाथरूम और टॉयलेट था वह भी अपने ही जगह पे है। और जो दो बेडरूम है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये और यह बेडरूम,
और यह कटआउट, इस सब में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को कॉलम का लेआउट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये रहा कॉलम लेआउट प्लान, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम का लेआउट किया गया है, और देखिए यह बहुत ही अच्छी तरह से इसका ग्रिड बनाया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक यह ग्रिड बन जाएगा, एक ग्रिड यहाँ पर बड़े आराम से बन जाएगा, और यहाँ पर एक यह ऐसे बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह प्लान आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। यदि आप लोगों का कुछ कमेंट्स है तो कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट्स का स्वागत है। तो दोस्तों यह रहा आज का लेआउट प्लान, और मैं यह उम्मीद करता हूँ यह आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। यदि आप लोगों का कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स करें, मैं बताऊंगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दें। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोग लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं।